रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग कर रही पुलिस टीम को सड़क पर देख बाइक सवार बदमाशों ने रास्ता बदल लिया। पुलिस का पीछा करने पर पुलिस पर तमंचे से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार एक बदमाश को गोली लग गई है। घायल बदमाश को पुलिस ने सड़क पर दर दबोचा। वहीं बदमाश का एक साथी अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। पकड़े गए बदमाश इमरान ने बताया कि वो बाइक से जा रहे थे, पुलिस से मुठभेड़ हो गई जिसमें उसने पुलिस पर फायर किया। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश इमरान उर्फ झम्मन पर गौ तस्करी के मामले में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में वह 25,000 का इनामी बदमाश है जो जमानत पर बाहर था, अभी भी कई मामले में संलिप्त है। आज पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर बाइक सवार बदमाश ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायर भी किया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल होकर गिर गया। उसके पास से एक तमंचा और दो कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं बाइक सवार साथी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। एडिशनल साहब, क्या मामला है पूरा ये मुठभेड़ का? कल से जनपद में उपचुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसी सिलसिले में थाना प्रभारी गंज और स्वाट टीम के कुछ मेंबर्स आज चेकिंग कर रहे थे। नानकार से केसरपुर जाने वाले रास्ते पे हामिद बारातघर को ही उसके पास अचानक नानकार की ओर से आने वाली एक मोटरसाइकिल, जैसे आभास हुआ कि पुलिस आगे है तो उसने तुरंत मोड़ा, यू टर्न लिया और भागने लगे। पुलिस ने भी पीछा किया, ये गिर गए। गिरने के बाद मोटरसाइकिल से उतर के पैदल भागे और पुलिस के ऊपर इन्होंने फायर किया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया। मोटरसाइकिल मौके पर जो गिरी हुई वो बरामद हो गई है। जो पुलिस की फायरिंग से घायल हुआ बदमाश है, उसके कब्जे से एक तमंचा 12 बोर, दो खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और पूछताछ में पता चला ये इमरान उर्फ झम्मन है, जिसमें पूर्व में भी आधे दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं और 25,000 का इनामी था। उस मामले में इसकी गिरफ्तारी हो गई थी, अब फिर इधर गतिविधियों में संलिप्त है, आगे की कार्यवाही की जाएगी। अच्छा, ये जो इस समय जो गिरफ्तार हुआ तो ये मुठभेड़ हुई के इनामी इस समय था, ये पहले था जब गिरफ्तार? नहीं, मैंने बताया कि पहले इस पर 25,000 का इनाम था, तो उस मामले में जिस पे इनाम था उसमें ये जमानत करा चुका है। तो मेन गोकशी में? हाँ, आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं जिसमें गोकशी के मुकदमे ज़्यादा है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।